So in this video we are going to do questions of the chapter cell cycle and cell division. So these questions are from Vijay Education book. So ये question जो है विजय education book के हैं. तो अगर आपने book नहीं purchase की है तो आप ये question यहाँ देख सकते हो, या फिर आप ये questions करना चाहते हो but आपके पास book नहीं है या फिर अभी तक आपने लगाए नहीं तो आप वो question यहाँ पर देख सकते हो. So let's start with question number 1. That is द मोस्ट एक्टिव फेज इन सेल डिवीज़न इज. कोशिका विभाजन में सबसे सक्रिय प्रावस्था है. सो द ऑप्शंस आर इंटरफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज. सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, इंटरफेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रीचिंग विच स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न सेल डिवीज़न विल डेफिनेटली टेक प्लेस. कोशिका विभाजन को किस अवस्था में आने के बाद कोशिका विभाजन निश्चित ही होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच पीरियड इज शाइज़मेटा फॉर्म. काइज़मेटा का निर्माण किस दौरान होता है. ऑप्शंस ज़ाइगोटिन, लैप्टोटिन, डाइकाइनेसिस, पैकाइटिन. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, पैकाइटिन. बाइवेलेंट सबल्स आर फॉर्म इन मियोसिस. अर्धसूत्री विभाजन में बाइवेलेंट युगलों का निर्माण होता है. ऑप्शंस पैकाइटिन, डिप्लोटीन, इन प्रोफेज, इन लैप्टोटीन. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस डू होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट. अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में समजात गुणसूत्र पृथक होते हैं. ऑप्शन आर एनाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What is the exchange of genetic material between homologous chromosome in meiosis called? अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों के बीच अनुवांशिक पदार्थों के विनिमय को क्या कहते हैं. ऑप्शंस आर म्यूटेशन, म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर, सेपरेशन, लिंकेज. करेक्ट ऑप्शन इज बी. स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म इन एनिमल सेल्स. तर्क तंतु जंतु कोशिका में बनते हैं. ऑप्शंस आर सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस द साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस. निम्न में से किस प्रावस्था में कोशिका द्रव्य की वृद्धि होती है. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज कॉल्ड कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाता है. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. द डिवीजन दैट अकर्स इन डिजीज सेल इज कॉल्ड रोग ग्रस्त कोशिकाओं में होने वाला विभाजन कहलाता है. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ड्यूरिंग द सेल साइकिल इन विच फेज इज डीएनए सिंथेसाइज्ड. कोशिका चक्र के दौरान डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है. ऑप्शंस आर जी टू फेज, एम फेज, एस फेज, जी वन फेज. करेक्ट
करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर सी. इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डी एन ए इज 2C, देन इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल द अमाउंट ऑफ डी एन ए इन द सेल रिमेन्स 4C11. यदि डी एन ए की प्रारंभिक मात्रा 2C हो तो कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में कोशिका में डी एन ए की मात्रा 4C स्तर पर रहती है. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी. इन मियोसिस क्रोमोसोम पेयरिंग अकर्स. अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का सूत्र युग्मन होता है. ऑप्शंस आर जाइगोटीन, पेकाइटीन, डेप्लोटीन, लैप्टोटीन. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. माइटोसिस वॉज डिस्कवर्ड इन एनिमल सेल बाई. जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन की खोज की थी स्ट्रासबर्गर इन 1875, फ्लेमिंग इन 1879, वॉटसन इन 1872, मेरे इन 1865. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. So I hope these questions are helpful to you. Thank you for watching.